हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए आपकी फेवरेट हॉल लेकर के मीशो से। मीशो के वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और आए भी क्यों ना, इतनी अफोर्डेबल प्राइस में वहाँ चीज़ें मिल जाती है और वैरायटी मिलती है। आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, जिसमें काफ़ी सारी डिज़ाइनर साड़ियाँ हैं, ब्लाउज़ हैं एंड कुछ ज्वेलरी पीसेस भी हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने मीशो को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए नीचे दिए हुए लिंक से। इससे आपको 30% ऑफ और 100 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा आपके फर्स्ट ऑर्डर पे। और मीशो के बारे में और सारी चीज़ें मैं आपको एंड में बताऊंगी। पहले ये बता दूं कि मीशो में लिंक नहीं होता है, ओनली कोड होता है। कोड आपको सर्च करना पड़ेगा, मीशो को डाउनलोड कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उसके बाद सर्च करना तो आपको वो आइटम मिल जाएगा। और यदि स्टॉक में नहीं हो तो आप जस्ट ना स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी मैंने दिखाया हुआ है, और उसके बाद उसको अपलोड करना तो वो आइटम किसी भी सेलर के पास अवेलेबल होगा तो वो आपको दिख जाएगा, नहीं होगा तो सिमिलर आइटम दिख जाएगा। या फिर आप कुछ टाइम के बाद पेज चेक करना तो वो आइटम रीस्टॉक हो जाता है कुछ टाइम के बाद, लाइक 4 डेज 5 डेज, कभी कभी 1 वीक भी लग जाते हैं, रीस्टॉक मोस्ट हो ही जाता है। तो चलिए अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मुझे मीशो में कुछ बहुत ही अमेजिंग सेलर मिले जिनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है, जो कि मैंने इंस्टाग्राम स्टोर में देखा हुआ था, बड़े बड़े स्टोर में सेम वैसी ही साड़ी मुझे मीशो में मिली। तो मैंने उनसे 2 साड़ियाँ मंगाई हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग क्या साड़ियाँ आई है। तो फर्स्ट तो ये वाली साड़ी जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बहुत ही खूबसूरत से ऑरेंजेस पीच कलर में है, और इसकी जो फैब्रिक है वो ऑर्गेंजा के फैब्रिक है। सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज़ दिखाती हूँ, और ये बहुत जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो स्टॉक में आता है और आउट ऑफ स्टॉक, स्टॉक में आता है आउट ऑफ स्टॉक। मैंने जब से मंगाया तब से 3 बार मैं देख चुकी हूँ, हर 2 दिन में स्टॉक में आता है, शाम तक आउट ऑफ स्टॉक। तो इसलिए आपको मिले ना मिले पता नहीं, पर आप अपने विश लिस्ट में सेव कर लीजिएगा। तो फर्स्ट तो आपको मिल जाएगी ब्लाउज़ की फैब्रिक, जो कि कुछ इस तरह की दी गई है। ठीक है, ये पार्ट हो गया एक, और उसके बाद आपको स्लीव्स के लिए कुछ इस तरह की फैब्रिक दी गई है, जिसे कि अपने स्लीव्स में डलवा सकते हो। लाइक यहाँ पे देख लो आप, इस तरह से स्लीव्स में डलवा सकते हो। तो दोनों ही स्लीव्स के लिए आपको इस तरह की फैब्रिक दी गई है, पूरी ऑर्गेंजा की फैब्रिक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद जो साड़ी है वो कुछ इस तरह की है, ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरह की साड़ी है। पूरी साड़ी प्लेन है, जस्ट आपको बॉर्डर में कुछ इस तरह की थ्रेड एंड जरी से वर्क मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, ये आप देख सकते हो। तो ये साड़ी मैं पूरी आपको पहन के दिखा दूंगी, अभी अगर मैं ऐसे खोल के रख दूंगी ना तो ये पूरी मुड़ मुड़ जाएगी, उसके बाद देखने में अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं आपको पहन के दिखा दूंगी। अदरवाइज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन बहुत अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सेकेंड साड़ी जो मैंने सेम सेलर से मंगवाई थी वो है ये वाली साड़ी। ये साड़ी तो जैसा दिखाया गया था इमेज में सेम टू सेम वैसी ही है, सेम कलर है, सेम वही सिल्वर जरी के डिज़ाइन है, ये आप देख रहे हो, पूरी सिल्वर जरी के डिज़ाइन है। इसमें जो ब्लाउज़ की फैब्रिक दी गई है ना वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कुछ इस तरह की आपको ब्लाउज़ की फैब्रिक मिलेगी। आप देख लो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, पूरे नेक में और पूरे फ्रंट में आपको इस तरह की सिल्वर जरी की वर्क मिल जाएगी, और स्लीव्स में भी कुछ इस तरह के वर्क मिल जाएंगे, और बैक के लिए प्लेन सा कपड़ा दिया हुआ है। अब ये वाली साड़ी भी ऑर्गेंजा की फैब्रिक में, ऑर्गेंजा की साड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं। और ये है पूरी साड़ी, पूरी साड़ी में आपको कुछ इस तरह का वर्क मिलेगा, मतलब ये आंचल में, हाफ साड़ी में आपको कुछ इस तरह का फुल वर्क मिलेगा, साथ में ये बॉर्डर पूरी साड़ी में लगाई हुई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस तरह का वर्क है, और अंदर के साइड में आपको बूटे 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 बनाए हुए मिलेंगे, जो कि मैं आपको पहन के दिखा दूंगी। तो ये वाली साड़ी तो डेफिनेटली आप वेडिंग होने वाली है, फिर वेडिंग वगैरह में पहनने के लिए चाहिए ना, तो ये आप साड़ी ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये साड़ी। कि जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है उसके बारे में आपको जानना है तो उसकी लिंक, वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लास्ट वीडियो यही थी मेरी, तो आप जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो साड़ी मैंने मंगवाई है वो मंगवाई है ये वाली साड़ी, ये येलो कलर में मुझे मिली। इस सेलर के पास भी बहुत जल्दी साड़ियाँ आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो मुझे ये येलो कलर में मिल गई, और इसको मैंने मंगवाया है मम्मी जी के लिए, क्योंकि उनको येलो कलर की साड़ी, ऑरेंज कलर की साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये सिफोन की साड़ी है तो वो मोस्टली साड़ियाँ ही पहनती हैं, तो वो पहनेंगी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी, और वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हैं तो उनको हमेशा ही ऑरेंज, येलो, रेड ये सब पहनना ज़्यादा पसंद है। तो उन्हीं को सोच करके मैंने ये साड़ी मंगवाई हुई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है, जैसा इमेज में दिखाया गया था एग्जैक्टली वैसा ही डिज़ाइन है, बट वहाँ पर थोड़ी छोटी डिज़ाइन थी, यहाँ पर थोड़ी सी ये बड़ी है, बट कोई नहीं, 500 रुपीज़ की साड़ी है, उस प्राइस में तो बिल्कुल वर्थ है। सिफोन की साड़ी
मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो आप, पूरी सिफोन की साड़ी है, पूरे साड़ी में इस तरह की बॉर्डर है और इसकी जो मेन पार्ट है वो है इसकी ब्लाउज की फैब्रिक जो कि कुछ इस तरह की दी गई है। खुल गई साड़ी पूरी, ये देखो इस तरह की ब्लाउज़ की फैब्रिक दी गई है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वाली ब्लाउज़ बनेगी। एंड ये आपको स्लीव्स में डलवाने के लिए मिले हैं, ये देखो ये स्लीव्स के लिए है, ये पूरी ब्लाउज़ है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ब्लाउज़ बनेगी इससे। तो ये साड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसमें ब्लैक और रेड इस तरह के काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे, मैंने रिव्यूज़ में चेक किया था, लेकिन मुझे जब मिली तो यही येलो कलर अवेलेबल थी, अभी शायद ये भी अवेलेबल नहीं है, बट आप जब इस कोड को सर्च करोगे तो जब जो भी अवेलेबल होगा वो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट मैंने मंगवाई है ये लेवेंडर कलर की साड़ी, ऑर्गेंजा की साड़ी है ये भी। ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना दी, हमारे लिए टीनएजर्स के लिए या फिर जिनकी वेडिंग नहीं हुई है उनको कॉलेज कर के लिए फ्रेशर पार्टी के लिए कुछ साड़ी बताओ अफोर्डेबल में। तो ये साड़ी गाइस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एक तो अभी ऑर्गेंजा की साड़ी ट्रेंड में है, दूसरा ये कलर ट्रेंड में है, तो ये साड़ी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ओनली 500 रुपीज़ की है, इससे आप स्कर्ट भी बनवाओगे ना पूरी फ्लेयर वाली, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी ना, क्योंकि मैं वही करने वाली हूँ। जनरली मैं नहीं पहनती हूँ साड़ियाँ, मुझे साड़ियाँ ज़्यादा संभलती नहीं है और मुझे मौका भी नहीं मिलता है। मैं सोचती हूँ कि कुछ वेडिंग हो तो कुछ पहनूंगी, अभी घर में होगी तो पहनूंगी, बट इसका मैंने सोचा भाई कि मैं बहुत ही फ्लेयर वाली इससे बनवाऊंगी स्कर्ट और इससे मैं बनवाऊंगी एक क्रॉप टॉप, क्योंकि ये कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये है आपकी साड़ी जो लेवेंडर एंड पर्पल के कॉम्बिनेशन में है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, प्राइस 500 रुपीज़ है, तो उस क्वालिटी में उस प्राइस में तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है। पूरे साड़ी में इस तरह के फ्लावर्स बने हुए हैं, फिर नीचे के साइड में इस तरह के फ्लावर्स बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर कलर की साड़ी है, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। और साथ में आपको इस तरह की बेंगलोरी सिल्क में फैब्रिक में इस तरह की ब्लाउज की फैब्रिक मिलेगी, तो आप इसका क्रॉप टॉप और स्कर्ट सिलाना चाहो तो वो भी कर सकते हो और साड़ी की जैसा पहनना चाहते हो तो वो भी बहुत ही ऑसम लगेगी। तो ये साड़ी तो मस्ट हैव इट, ये आपको थोड़ी टीनएजर टाइप की या फिर थोड़ी गर्लिश टाइप की साड़ी चाहिए ये ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे लगोगे। अब नेक्स्ट मैंने ये वाली साड़ी ली है, ये सिफोन में साड़ी है, ये थोड़ी डार्क येलो कलर में है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि इसको ना पिंक कलर की या फिर मरून कलर की ब्लाउज़ के साथ पहनोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इस साड़ी का बेस्ट पार्ट क्या है पता है, ये जो टैसल लगे हुए हैं ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, मैं आपको खोल के ही दिखा दे रही हूँ। चलो कोई नहीं, मैं अभी ही ट्राई ऑन कर लूँगी। तो ये जो आंचल में इसके जो टैसल लगे हुए हैं ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, और प्लस इस साड़ी में आपको कलर बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मैंने लिया हुआ है ये वाले कलर को। ये वाली साड़ी ना आपको मिंत्रा वगैरह में भी मिल जाएगी, बट वहाँ पे 1500 रुपीज़ में मिलती है, बट ये साड़ी मुझे मिली ओनली 500 रुपीज़ में। और क्या साड़ी है यार, मतलब बहुत ही अमेजिंग साड़ी है। यदि आप थोड़े हैवी वेट के हो मेरे जैसे, तो हम सब में ना इस तरह की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, मैं जनरली इसी तरह की साड़ियाँ पहनना प्रेफर करती हूँ। इसमें ब्लैक, मरून, ब्लू, ब्लैक बहुत सारे कलर हैं, बट ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और बहुत ही खिलने वाला कलर है, और ये कलर बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसको पूजा पाठ में भी पहन सकते हो, साथ ही में हल्दी वल्दी के फंक्शन में भी पहन सकते हो। तो इस तरह की आपके पास साड़ी नहीं है ना तो ये वाले कलर को ज़रूर लेकर के देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये वाली साड़ी। एंड इसमें जो ब्लाउज़ की फैब्रिक दी गई है गाइस, वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है, कुछ इस तरह की गोल्डन कलर की ब्लाउज़ की फैब्रिक दी गई है। कुछ कभी कभी कुछ कुछ ब्लाउज़ में बहुत मोटे फैब्रिक दिए होते हैं, वैसा नहीं है, बहुत ही खूबसूरत सी ब्रोकेट की फैब्रिक है। अब मैंने ली हुई है एक रॉयल ब्लू कलर की साड़ी, क्योंकि मुझे ये कलर पहनना था, मेरे पास नेवी ब्लू है, मुझे रॉयल ब्लू चाहिए थी, मतलब मुझे कॉम्बिनेशन बनाना था रॉयल ब्लू एंड पिंक का। तो इसमें आपको इस तरह की ना कलरफुल मल्टी कलर प्रिंटेड ब्लाउज़ की फैब्रिक मिलेगी, इसका भी ब्लाउज़ आप बनवाओगे स्लीवलेस या फिर हाफ स्लीव्स के साथ तो बहुत अच्छी लगेगी, बट मैंने कुछ और ही सोचा हुआ है। मैंने यहाँ पर इस साड़ी के लिए ना ये वाली ब्लाउज़ को मंगाया हुआ है, और ये ब्लाउज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत आई है। यहाँ पर आपको इस तरह की स्वीट हार्ट नेक मिल जाएगी, स्लीवलेस है, और बैक में कुछ इस तरह की डीप बैक है इसकी, और इसमें पूरे यहाँ मिरर
वर्क है, मिरर एंड स्टोन वर्क है एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस तरह के ब्लाउज में प्रॉब्लम बस यही होती है कि आपको अपने साइज़ में थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कराना पड़ता है, लाइक यहाँ पे शोल्डर में या फिर साइड से थोड़ा एडजस्टमेंट कराना पड़ता है, उसके बाद ये बहुत अच्छे से आप में फिट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। साथ में आपको यहाँ पे फैब्रिक भी दी गई है जिसको आप अपने स्लीव्स में डलवा सकते हो। यहाँ पे सेम फैब्रिक दी गई है पर उल्टा किया हुआ है, ये देखो सेम फैब्रिक दी गई है। इस वाले ब्लाउज़ के फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें कलर्स भी अवेलेबल है बट मैंने पिंक में ही लिया हुआ है क्योंकि मुझे ये पिंक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन बनाना था। पहन के दिखाऊंगी, बताना जरूर कैसा लग रहा है। अब ये वाली साड़ी की बात करें तो ये साड़ी 300 या 400 रुपीज़ की है, फोन की साड़ी है। इसमें पूरे इस तरह के ना गोल्डन कलर की, यहाँ पे गोल्डन कलर की डिटेलिंग दी गई है, बाकी पूरी साड़ी प्लेन है। पहन के मैं आपको दिखा दूँगी। फैब्रिक की क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मुझे मेरे पास सेम कलर की साड़ी है, हैवी साड़ी है और उसमें पूरी वाइट कलर की इतनी स्टोन की बॉर्डर लगी हुई है, उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी एग्जैक्टली सेम है। तो ये वाली साड़ी मैंने ली हुई है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये मैंने कुछ इस तरह की ब्लाउज़ को लिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो पूरे इस तरह के मिरर वर्क है और इसको मैंने लिया हुआ है एक स्कर्ट के साथ पहनने के लिए, ब्लैक कलर के स्कर्ट के साथ पहनने के लिए। ब्लैक स्कर्ट के साथ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। साथ में ब्लैक दुपट्टा ले लीजिए और इसको पहन लीजिए। यहाँ आप देख सकते हो बैक में भी पूरी मिरर वर्क है, पूरी डीप नेक है। बस मुझे पता है कि ये जो है मुझ में थोड़ी सी लूज होगी क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी डीप नेक है तो पीछे मुझे इसमें डोरी लगानी पड़ेगी। इनको लगा के देना चाहिए था पर नहीं है, कोई नहीं, इसमें डोरी लगानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डीप है। मेरे जो शोल्डर है ना वो थोड़े छोटे छोटे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे ये शोल्डर जो है वो थोड़े छोटे छोटे हैं तो हर चीज़ मेरी ऐसे फिसल जाती है तो इसमें मुझे डोरी तो लगानी पड़ेगी। अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ब्लाउज़ है ये। फैब्रिक इसकी काफ़ी अच्छी है। ऐसे तो ये ब्लाउज़ आपको 400 में भी अवेलेबल है बट इसमें जो फैब्रिक यूज़ की गई है ना बहुत ही अच्छी है। तो मैं आप जिस मैंने जिस सेलर से लिया है आपको मैं उसका कोड दे दूँगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। और यदि कभी इस तरह से एक आध मिरर आपको लगे कि लूज़ हो रहे हैं तो आप कोई भी फेविक्विक या फिर फैब्रिक ग्लू से इसको चिपका सकते हो। तो ये ब्लाउज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप इसको एज अ लहंगा यूज़ कर सकते हो, लहंगा के ब्लाउज़ के जैसा। आपके पास ब्लैक कलर की स्कर्ट है तो स्कर्ट पहन लीजिए और इसमें ब्लाउज़ पहन लीजिए, प्लेन दुपट्टा ले लीजिए, बॉम लगिएगा, मतलब तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस बन जाएगी आपकी। तो ये थी मेरी ब्लाउज़, तो ये सारे आइटम हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एज अ ब्लाउज़ ही यूज़ करने के लिए ये वाले क्रॉप टॉप को लिया हुआ है जो कि कुछ इस तरह की है। इसे आप टॉप के जैसे भी पहन सकते हो, स्कर्ट या फिर जीन्स या फिर प्लाजो के साथ, या फिर आप इसे ब्लाउज़ के जैसे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको ब्लाउज़ के जैसे यूज़ करने के लिए लिया हुआ है। ये इसके जो नेट की क्वालिटी है ना बहुत ही सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की नेट है। यहाँ पे ये इस तरह की कोल्ड शोल्डर आएगी, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह की स्लीव्स हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह की रबड़ लगाई हुई है और पैक भी, मतलब पूरी प्लेन है, नेट की टॉप है लेकिन मैंने इसको ब्लाउज़ के जैसे पहनने के लिए लिया हुआ है। अब चलते हैं हम ईयरिंग्स पे। तो मैंने यहाँ से दो ईयरिंग्स मंगवाए हैं और भी मतलब 4 ज्वेलरी पीसेस मंगवाए हुए हैं, तो जो आ गए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट तो है ये वाली, इतनी ज़्यादा लाइट वेट है ना और पहनने पे साड़ी के साथ पहनी या फिर सूट के साथ पहनी है, सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, खास करके कुछ इस तरह की अफगानी ज्वेलरी जिसमें स्टोन भी होता है, थोड़ी ब्लैक इसमें डिटेलिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मैंने इसको ऑलरेडी पहना हुआ और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से लिया है, तो इसको भी मैंने मीशो से ही लिया हुआ है। बहुत लाइट वेट है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सेम सेलर से मैंने ये झुमका भी लिए हुए हैं, इसको भी मैंने अपने एक वीडियो में पहना हुआ था, काफ़ी खूबसूरत झुमका है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने अभी जो पहना हुआ है उससे भी थोड़े से बड़े झुमका है, चलिए भैया गोल्डन है तो इसलिए मैंने गोल्डन पहना हुआ है, अदरवाइज़ मैं इसी को पहनती। बहुत ही खूबसूरत झुमका है, मिरर वर्क के साथ आते हैं, स्टोन भी लगे हुए और बहुत ही लाइट वेट है। इस वाले झुमका से ज़्यादा लाइट वेट है इसलिए मुझे ये झुमका बहुत ज़्यादा पसंद आए। ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि लाइट वेट है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक सिल्वर बैंगल्स, तो ये बैंगल्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। और आपको बहुत सारी चूड़ियाँ पहनना नहीं पसंद है तो आप ये बैंगल्स ट्राई कर सकते हो, कुछ इस तरह की बॉक्स में आए थे, वो झुमका वगैरह भी बॉक्स में ही आए थे, तो कुछ इस तरह की है ये वाली बैंगल्स। इसमें इस तरह के ना पिंक कलर के स्टोन लगाए हुए हैं, प्लस ये पूरी अफगानी बैंगल्स है। इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, लाइट वेट की है, डिटेलिंग आप देखो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो ये बैंगल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, मैंने सोचा मैं दो और मंगाऊंगी, मतलब मुझे अच्छे लगे हैं तो मैं सेट बना लूँगी सिल्वर ज्वेलरी का।
जो लास्ट आइटम है, बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, वो है कुछ इस तरह के डब्बे में आई थी और बहुत जल्दी डिलीवरी हो गई थी 3 to 4 days में। इस तरह की सेट है, चोकर सेट है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मैं सोच रही हूँ मीशो से काफ़ी सारे ज्वेलरी परचेस करने का, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको वहाँ ज्वेलरी मिल जाते हैं, तो मैंने ये वाले मंगाए हुए। कुंदन का सेट है ये, प्राइस इसकी 400 के आसपास में है। इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी है, बिल्कुल भी चीप नहीं है। मुझे लगा ही नहीं था कि मुझे ऐसी क्वालिटी मिलेगी 400 रुपीज़ में। ये आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ओह माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है यार। आप इस तरह के डीप नेक वाली ब्लाउज़ पहने हुए, फिर कुर्ता भी पहने हुए, मैं इसी में आपको पहन कर दिखाऊंगी, तो ये वाले पहन लो। साथ में इयररिंग्स भी इसके बहुत ही खूबसूरत से दिए हुए, ये इयररिंग्स पहन लो, साथ में जूड़ा बना लो, बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये वाली ज्वेलरी। तो ये वाली नेक पीस कुंदन की है। क्यों आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करना, जब आपको अफोर्डेबल प्राइस में इतनी अच्छी चोकर मिल रही है। ये तो मस्ट है, मैं आप हर किसी को सजेस्ट करूँगी कि ये वाली चोकर आप ज़रूर परचेस करो, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेक श्योर की वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें, एंड फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।